नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल माहिदा टेकी पर। अच्छा लग रहा है दोस्तों आपको मेरे दिखाए हुए रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं, ऐसे ही मेरे को अपना प्यार देते रहिए मेरे चैनल को और इसको आगे बढ़ाने में मेरी मदद करिए। आज जो हम करने जा रहे हैं रिव्यू एंड कंपेरिजन, वो है दो स्मार्ट वॉचेस, एक है अभी नई लॉन्च हुई AQFIT W15 और उसका हम कंपेरिजन करेंगे ColorFIT 2 Pro के साथ। दोनों ही लगभग सेम प्राइस रेंज की वॉचेस हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिव्यू से। सबसे पहले बारी आती है दोस्तों प्राइस रेंज की, तो W15 आपको मिल रही है 3699 रुपये में और ColorFIT 2 Pro आपको मिल रही है 3499 रुपये में। दोस्तों ये आज का प्राइस है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो प्राइस ऑनलाइन जाकर ज़रूर वेरीफाई कर लें कंपनी की वेबसाइट पर, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो दोनों ही घड़ियाँ एंड्रॉयड और iOS के साथ कंपैटिबल हैं। स्क्रीन साइज W15 1.33 इंचेस दे रहा है, ColorFIT 2 Pro दे रहा है 1.30 इंचेस। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ कि ये जो डायल की शेप होती है उससे बड़ा फर्क पड़ता है स्क्रीन साइज का। कलर्स की बात करते हैं तो W15 में आपको मिल रहा है ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, ग्रीन ब्लैक, ग्रे ब्लैक एंड रेड ब्लैक, ये स्ट्रैप के साथ कॉम्बिनेशन है। ऊपर से काला स्ट्रैप लगेगा, अंदर से रेड होगा। और उसी तरह 2 Pro में हमको मिल रहा है नॉइस में जेट ब्लैक, मिस्ट ग्रे एंड टील ग्रीन कलर। तो आजकल ऐसे ऐसे नाम आ गए हैं ना कलर के, मैं बोलने में कंफ्यूज होता हूँ, दो दो तीन दिन बार रिकॉर्ड करना पड़ता है नाम। डिस्प्ले की बात करते हैं तो W15 आपको IPS स्क्रीन लगा के दे रहा है, जबकि नॉइस फिट जो कह रहा है LCD, लेकिन रिजोल्यूशन दोनों का सेम है। तो मुझे लग रहा है कि IPS और नॉर्मल LCD का रिजोल्यूशन कैसे सेम हो सकता है 240x240 पिक्सल्स का। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों ही वॉचेस में नहीं है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो W15 आपको 9S टेम्पर्ड ग्लास की प्रोटेक्शन दे रहा है, जो कि ColorFIT ने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। बॉडी टाइप की बात करें तो W15 यहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिंक मैग्नीशियम एलॉय बॉडी दे रहा है, और जबकि 2 Pro आपको पॉलीकार्बोनेट दे रहा है जो कि कंपैरेटिवली एलॉय से बात करें तो हल्का होता है। डायल शेप की बात करें तो W15 है सर्कुलर में और 2 Pro है रेक्टेंगुलर में। उसके अलावा बात करते हैं बटन की, तो W15 में एक स्टाइलिश बटन लगा हुआ है टॉप राइट साइड पर, और वहीं एक स्टाइलिश बटन हमको ColorFIT में भी मिल रहा है राइट साइड में। स्ट्रैप दोनों ही वॉचेज़ में हमें सिलिकॉन का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम वेट की बात करते हैं तो W15 ने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मैं कहूँगा कि ये कम से कम 50 ग्राम की तो घड़ी होगी क्योंकि अलॉय बॉडी है, और 2 Pro यहाँ पे हमको मिल रही है 35 ग्राम्स में, जो कि कंपैरेटिवली लाइट वेट है। नोटिफिकेशंस दोनों ही घड़ियों में आपको सेम देखने को मिलेंगे, इनकमिंग कॉल्स, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड अदर एप्लीकेशंस के। मोबाइल कंट्रोल की बात करें तो W15 आपको दोनों कंट्रोल दे रहा है, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल, जबकि 2 Pro आपको सिर्फ म्यूजिक कंट्रोल दे रहा है। तो दोस्तों अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, म्यूजिक कंट्रोल का मतलब होता है अपने अपने फ़ोन से अगर सॉन्ग्स प्ले कर रखे हैं तो आप उनको आगे पीछे कर सकते हैं, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी वॉच की हेल्प से ही। और अगर कैमरा कंट्रोल की बात करूँ तो आप अपने फ़ोन में कैमरा ऑन कीजिए और उसकी फ़ोटो जो है आप अपनी वॉच में ही, आपके शटर का ऑप्शन आ जाएगा, वॉच को क्लिक करिए और आपके फ़ोन से फ़ोटो खींच जाएगी। अब बारी आती है मेक और आंसर कॉल की, तो दोनों ही घड़ियाँ जो हैं ओनली रिजेक्ट कॉल का ऑप्शन दे रही हैं। रेंज की बात करें तो ब्लूटूथ रेंज दोनों ने स्पेसिफाई नहीं किया, तो मतलब नॉर्मल जो 5-7 मीटर की रेंज है वो आपको देखने को मिलने वाली है। क्विक रिप्लाइज दोनों ही वॉचेज़ में नहीं है। क्विक रिप्लाइज का मतलब होता है दोस्तों कि आप जब किसी की कॉल को रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, आप एक मैसेज चला जाता है ऑटोमेटिक, आई विल कॉल बैक लेटर, आई एम इन अ मीटिंग, आई एम ड्राइविंग, तो वो चीज़ें आजकल कुछ घड़ियों में आ रही हैं जो इन दोनों वॉचेज़ में हमें नहीं देखने को मिल रही। ब्लूटूथ वर्जन की बात करते हैं तो W15 में है 4.2 और ColorFIT Pro 2 में मिल रहा है लेटेस्ट 5.0। चार्जिंग टाइप में बात करें तो दोनों ही वॉचेस में हमको मैग्नेटिक क्लिप चार्जर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक पतला सा क्लिप होता है जिसमें मैग्नेट होता है, इसको आप अपनी वॉच के पीछे आप अटैच करेंगे, लेकिन आपने अगर जनरली देखा होगा USB केबल छोटी होती है, हम वॉच को लटका ही देते हैं चार्जिंग के साथ लगा के, तो यहाँ पे वो लेना रिस्की हो जाएगा क्योंकि क्लिप वैसे तो मैग्नेट थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है पर रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको किसी सेव जगह पर उसको रख के चार्ज करना पड़ेगा। बैटरी की बात आती है दोस्तों तो W15 में आपको 220mAh की बैटरी मिल रही है, जो कि क्लेम कर रहा है 8 से 10 दिन का बैकअप, वहीं 210mAh की बैटरी में 10 दिन का बैकअप क्लेम कर रहा है ColorFIT। GPS दोनों ही वॉचेज़ में नहीं है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस में बात करें तो यहाँ पे ड्यूअल प्रोटेक्शन मिल रहा है हमको W15 में, 5 ATM प्लस IP68। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, 5 ATM का मतलब है कि अप टू 50 मीटर्स तक आप इसको पानी में लेके जा सकते हैं, तो जो स्विमर लोग हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, वॉच ख़राब नहीं होगी, ये वाटरप्रूफ रहेगी अप टू 50 मीटर तक। वहीं IP68 में इसको डस्ट रेजिस्टेंस भी मिल जाएगी।
और सिर्फ IP68 हमको दे रहा है कलर फिट, तो इसमें आप इसको ज़्यादा गहरे पानी में लेके नहीं जा सकते, सिर्फ 1.5 मीटर पानी में लेके जा सकते हैं, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए, ये IP68 में होता है। मल्टीपल वॉच फेसेस दोनों घड़ियों में हमको देखने को मिल रहे हैं, SpO2 एंड ब्लड प्रेशर W15 में मिल रहा है, प्रोफिट में हमको ये दोनों फीचर नहीं मिल रहे हैं। फिटनेस मोड की बात करें तो 15 क्लेम कर रहा है W15 और 9 के करीब क्लेम कर रहा है कलर फिट प्रो। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं चिपसेट की, तो AQFit बता रहा है कि उसने लेटेस्ट नॉर्डिक चिपसेट यूज़ किया है, साथ में ही एक STLIS2 सेंसर यूज़ किया हुआ है, जिससे कि जो एफिशिएंसी है वो 40% तक बढ़ जाती है वॉच की और 50% तक लेस पावर कंजम्पशन लेता है वो। तो दोस्तों बारी आती है कि अब कौन सी वॉच लेनी बढ़िया रहेगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं W15 आपको क्या दे रहा है। स्क्रीन की बात करें तो 9S टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्शन मिल रही है हमें उसमें, बॉडी भी हैवी है, जिंक मैग्नीशियम एलॉय बॉडी है, तो ये ड्यूरेबल रहेगी घड़ी आपकी चलने में। उसके अलावा स्लाइटली बेटर बैटरी है, मतलब 10mAh है, तो मैं उसको मानता नहीं कि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा। उसके अलावा जो मेन चीज़ है 5 ATM प्लस IP68 दोनों प्रोटेक्शन है, तो स्विमर्स के लिए अच्छी खबर है कि वो इस घड़ी को डाल के समुद्र की गहराइयों में तैर सकते हैं 50 मीटर तक। उसके अलावा हम बात करते हैं तो इसमें कैमरा कंट्रोल भी आपको मिल रहा है, जबकि दूसरी वॉच में सिर्फ आपको म्यूज़िक कंट्रोल देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन अब हम बात करते हैं कलर फिट आपको क्या दे रहा है, तो दोस्तों ये सिर्फ दो ही चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं, एक तो घड़ी थोड़ी सी सस्ती है और उसके अलावा लाइट वेट है, सिर्फ ये दो चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं जो कि W15 आपको नहीं दे रहा है। तो ये बिल्कुल बायस्ड रिव्यू नहीं है, मैं आपको कहना चाहूँगा सारे फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पे लेके आप खुद कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस घड़ी में ज़्यादा फीचर्स है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी कि आप कौन सी स्मार्ट वॉच खरीदें। अगली वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।